इतवारी में 1,15,00,000 की लूट में हवाला व्यापारी के कर्मियों के ही लिप्त होने का संदेह है। टिप के आधार पर अंजाम दी गई इस वारदात की पुलिस ने हाईटेक प्रणाली से जांच करके दिनेश जाट और नेमावर नामक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राजस्थान के रहवासी होने की जानकारी मिल रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों विमान से पुणे रवाना हो गए थे। गुरुवार को सुबह दोनों आरोपियों को नागपुर लाया गया। ज्ञात हो कि मंगलवार की रात नेहरू पुतला के पास स्थित बारदाना गली में हवाला व्यापारी बीरम पटेल के कर्मियों से 1,15,00,000 रुपए लूट लिए गए थे। पटेल का कर्मचारी प्रदीप सारस्वत अपने साथी के साथ कार्यालय के 1,15,00,000 रुपए लेकर करीब बुतड़ा चैम्बर में स्थित लॉकर में रखने जा रहा था। मार्ग में दो युवकों ने माउजर की नोक पर मारपीट करके दोनों से एक्टिवा छीन ली। एक्टिवा की डिक्की में रुपए रखे हुए थे। वारदात के सीसीटीवी फुटेज देखते ही पुलिस को पटेल के कर्मियों पर ही संदेह हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी ने संदेह और भी गहरा कर दिया। पुलिस ने हाईटेक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए पटेल के कर्मियों के मोबाइल और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के लोकेशन की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने पुणे में दबिश देकर दो आरोपियों को दबोच लिया। पुणे में मिले युवकों को नागपुर से ही लूट की टिप दी गई थी। इस मामले में एक बड़ी खबर यह है कि दोनों ही आरोपी दिनेश जाट और नेमावर पटेल के दुकान में ही काम करते। इससे कई सवाल सामने आ रहे हैं। दोनों आरोपियों ने 8:37 को लूट को अंजाम दिया। लूट की राशि अपने एक साथी को सौंप दी गई। इसके बाद फ्लाइट बुक कर देर रात पुणे पहुंचे। इसका पता चलते ही नागपुर पुलिस ने पुणे पुलिस को सतर्क कर दिया। उसकी सूचना पर पुणे पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। गुरुवार की सुबह आरोपियों को नागपुर लाया गया। उन्होंने जिसे लूट की राशि सौंपी है उसका भी पता चल गया है। याच्यामध्ये जे काही तपास आपला सुरू होता त्याच्यामध्ये क्राइम ब्रांच आणि पकडगंज यांनी दोन संशयितांना पुण्यातून ताब्यात घेतलेले आहे। त्यांना आज सकाळीच आपण इथे नागपूरला आणलेलं आहे आणि त्यांच्या काही सहभागाचे पुरावे आपल्याला मिळाले आहेत। तर त्यांची आता विचारपूस आपण आज करणार आहोत। तर विचारपूस केल्यानंतर आपल्याला पूर्ण याची आज माहिती मिळेल। याच्यामध्ये सर सगळ्या आरोपितांचे नाव काय आणि त्यांचा जो सूत्रधार कोण होता, काय टीप वरची होती का काय? सांग नावं त्यांची आपल्याला एकाडवर मिळालेत पण ते खरे नाव आपल्याला थोडी कन्फर्म करायचे अजून तेच ना माहिती। तर आपण त्यांचे थोडं आल्यानंतर ते चेक करणार आहोत। पूर्ण मुद्दा टीपवरती अवलंबून होता का आणि पैसे जे होते ते हवालाचे? टीपची शक्यता नकार येत नाही आहे। तर आम्ही पूर्ण जे काही याच्यामध्ये फिरेदी आहेत किंवा इतर ते घटक आहेत ते सगळ्यांची चौकशी करत आहोत। संशयित ताब्यात आहे, त्यांच्याकडून अधिक चौकशी केल्यावर आपल्याला सगळं माहिती पडेल त्याच्यामध्ये। फिर्यादीच्या लॉकरची तपासणी केल्यानंतर काही 7 दिवस सोने अजून मिळाल्याची माहिती आली? तपासणी तर काही आम्ही पोलीस स्टेशनमार्फत केलेली नाही आहे, त्याच्याबद्दल आम्हाला नाही माहिती लॉकरबद्दल। सर जो त्याच्यातला जो वर्कर होता त्याचा याचा सहभाग काही आढळून? आम्ही करत आहोत जे सगळे संशयित आहेत आणि जे काही इतर लोक आहेत त्यांचे सगळ्यांचे आम्ही कॉल डेटा CDR वगैरे काढलेले आहेत, त्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स वगैरे, त्याचे अनालिसिसद्वारे आणि जे काही आता संशयित ताब्यात आहेत त्यांच्या चौकशीद्वारे हे पूर्ण चित्र क्लिअर होईल आपलं। आपको बता दें कि व्यापारी बीरम पटेल की भी जांच पुलिस कर रही है। पटेल की एक कुरियर कंपनी भी है। पुलिस ने पटेल के लॉकर की जांच की तो लॉकर में 6 किलो सोना दिखाई दिया। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।